हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, हम आज आपके लिए एक नया ईयर कोड लाए हैं। जो ईयर कोड है ईयर कोड है, ये LG फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। तो इस पर जो OE का ईयर कोड आता है, इसका मतलब होता है ड्रेन प्रॉब्लम। ड्रेन प्रॉब्लम के लिए क्या क्या हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ड्रेन प्रॉब्लम, पहला नंबर, ड्रेन पंप ख़राब हो सकती है। दूसरा नंबर चलते हैं, ड्रेन पंप में जो सप्लाई आ रही है उस वायर को चेक करना। ड्रेन पंप में सप्लाई नहीं आ रही होगी, उसको आपको देखना है। और जो ड्रेन पंप से जो वायर गया हुआ है PCB भी, उस वायर को चेक करो। अन्यथा उस पंप पे कितना वोल्टेज आ रहा है कि नहीं है, उसको चेक करो, नहीं तो आपकी PCB ख़राब होगी। और एक चीज़ और, जो ड्रेन पंप में पाइप लगी होती है या रबड़ की पाइप या जो पाइप लगी होती है, क्या उसमें कचरा तो नहीं है या आपका फिल्टर तो नहीं जाम है, इनको भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम आता है OE, इसका मतलब होता है ड्रेन का प्रॉब्लम। ड्रेन का प्रॉब्लम, पानी बाहर ना निकलना। वॉशिंग मशीन में जो ड्रेन होता है वो सही तरह से पानी बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब OE का यही ईयर कोड आता है। तो आपके वॉशिंग मशीन में जो पंप से और ड्रम में जो पाइप लगा होता है, उस पाइप को चेक करना है, क्या पाइप पंप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पंप अगर चल रहा है तो क्या ड्रेन पाइप से पानी बाहर निकल रहा है कि नहीं रहा है, आप उसको भी चेक करोगे। तो पाइप भी जाम हो सकती है, गेट के नीचे जो फिल्टर होता है वो भी जाम हो सकता है, और पंप भी ख़राब हो सकती है। पंप में वोल्टेज ना हो वो भी हो सकता है, और आप पंप में जाम हो सकती है। ऐसे कई ये 5-6 चीज़ें मिलके ये ड्रेन इधर आ सकता है। तो आप इन सब चीज़ चेक करेंगे और बिल्कुल आपकी वॉशिंग मशीन चलने लगेगी। जो OE का ईयर कोड आता है वो बिल्कुल सही होगा, बस आपको इन्हीं पार्टों को चेक करना पड़ेगा। तो बहुत नॉर्मल ये ईयर कोड है, कोई ज़्यादा विशेष इसमें कठिनाई नहीं है। तो आपको OE ईयर कोड हटाने के लिए ड्रेन पाइप, ड्रेन पंप और जो फिल्टर लगे होते हैं ड्रेन पे, उनको चेक करना है कि ड्रेन पंप में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, उनको उस पाइप को चेक करना पड़े। इस प्रकार से ये है, जितने भी आप इसमें ड्रेन से रिलेटेड है उस चीज़ को चेक करोगे, तो आपके वॉशिंग मशीन पे जो OE का ईयर कोड आता है, ये फॉल्ट कहाँ है वो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। तो हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे, और जो आप जो भी वॉशिंग मशीन में फॉल्ट आएगा, उस समस्या का समाधान के लिए हम आपसे नया ईयर कोड को हम बताते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका OE का ईयर कोड हट जाएगा। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो देखी, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए ईयर कोड के साथ।